हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जांपल। एही वीडियो रे आमे जुलाई मास रे कंप्लीट करंट अफेयर्स डिस्कशन करबा। सो वीडियो टी लेंथी न होइबा पई आमे वीडियो को छोटे छोटे पार्ट रे कन्वर्ट करिचो। फर्स्ट पार्ट रे आमे 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा। सो वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। नोट्स बनेबार किछ आवश्यकता नाही, काहे कि ना वीडियो रो पीडीएफ आमे हमर टेलीग्राम चैनल एग्जांपल ऑफिशियल रे प्रोवाइड करिवो, एंड टेलीग्राम चैनल रो लिंक आमे वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे दे दबो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हला, कैरियोकस मित्सोटाकी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी जापान। सो आंसर विल बी ग्रीस। ग्रीस रो कैपिटल हला एथेंस, एंड कैरियोकस मित्सोटाकी जे कि सेकंड टर्म पई एज प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हे छथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डब्ल्यूसीसीस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रे बा डब्ल्यूसीसी द्वारा दिया जाइथिबा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रे इंडिया रा रैंक केते। ऑप्शन ए हला 12, ऑप्शन बी हला 25, ऑप्शन सी हला 40, ऑप्शन डी हला 56। आंसर विल बी 40 बा 40। सो डब्ल्यूसीसी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर जे के 35 वर्ष हला लगातार भाबरे कॉम्पिटिटिवनेस रैंक प्रोवाइड करी आसुचे। सो फर्स्ट तीनटा कंट्री हेले डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्लॉक हैज कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिटरी ड्रिल नेम्ड सॉलिडारिटी एक्सरसाइज। ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एंड ऑप्शन डी बिमसेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो आंसर विल बी आसियान। सो आसियान ने थिबा कंट्री मान भीतर पांचटा कंट्री इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपाइंस। ए पांचटा कंट्री गोटे जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्ट करिसन जार ना आइछि सॉलिडारिटी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हला, हनी बी हाइव इन व्हिच कंट्री फेस्ड द सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट एवर रिकॉर्डेड। सो हनी बी हाइव बा मोहुमछी माने सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट फेस करिसनती। ऑप्शन ए हला इंडिया, ऑप्शन बी हला यूएसए, ऑप्शन सी हला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हला इंडोनेशिया। सो आंसर विल बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हला, व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस पर्सपेक्टिव टैब फीचर व्हिच अलाउज यूजर टू एक्सप्लोर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। सो ऑप्शन ए हला गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी सैमसंग। सो क्वेश्चन कहूँ जे क्यों कंपनी पर्सपेक्टिव टैब फीचर इंट्रोड्यूस कर जहाद्वारा लोक मैंने ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦିଟା ଟପିକ୍ ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ ବହୁ ମତ ପାଇପାରିବେ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଗୁଗୁଲ। ଗୁଗୁଲ ଯାହାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟ୍, ବା ଗୁଗୁଲ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଗୁଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଓନ୍ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟ୍ୟାବ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम बा यूएनईपी। सो आंसर होची सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएसई। सो यह होची एक दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तार रिपोर्ट कार्ड दर्शाई जे बा इंडिया रे थिबा 5% थर्मल पावर प्लांट जो मैंने FGD मेकानिजम इम्प्लीमेंटेशन कर फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेसन जहाद्वारा सल्फर डाइअक्साइड आटमोस्फियर को जीव ना, एंड सल्फर डाइअक्साइड हूँ गोटे एयर पल्यूटेन्ट जहाद्वारा एक्सीडेन्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सक्सेसफुली ट्रेंड द सिविल सर्वेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री। ऑप्शन ए हूँ श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी नेपाल, एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। सो आंसर होची मालदीव्स। सो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एई वर्ष 1000 मालदीव्स सिविल सर्वेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र रे स्किल्स प्रोवाइड करिछि, एंड एहा होची तार 24th बैच। पूर्वरु 685 जन ऑफिसर मालदीव्स रो 685 जन ऑफिसर को ट्रेनिंग दे सारिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉस बटलर हु रिसेंटली पास्ड द 10,000 रन्स इन T20 फॉर्मेट इज फ्रॉम व्हिच कंट्री। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो आंसर होची इंग्लैंड। सो इंग्लैंड रो T20 कैप्टन होचंती जॉस बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट
to establish strategic partnership with which country? Option A, Egypt. Option B, Myanmar. Option C, Afghanistan. Option D, Sri Lanka. So answer hoche Egypt. So Egypt sahita India gote agreement sign karichi jothre charita key concept ku focus karaichi. Charita key concept hela political, defense and security cooperation, economic engagement and collaborative effort in the field of science and academia. Next question, who was awarded BET Lifetime Achievement Award for 2023? Option A, A.R. Rahman. Option B, Busta Rhymes. Option C, Bob Dylan. And option D, Jennifer Lopez. So answer ho chi, Busta Rhymes. Ji ho chan jane American rapper. Next question, which Indian golfer won Sage Ladies Open title? Option A, Aditi Ashok. Option B, Diksha Daggar. Option C, Pranabi Urs. And option D, Amandeep Dral. So answer hoche Diksha Daggar. Next question, which union ministry launched the Swachh Sarvekshan 2023 Mera Seher Mera Pehchan survey? So option A hoche Ministry of Housing and Urban Affairs. Option B, Ministry of Home Affairs. Option C, Ministry of Jal Shakti. Option D, Ministry of MSME. So it is quite obvious, Ministry of Housing and Urban Affairs. So eta hochi 8th edition of world largest urban swachhata survey jaha ki 4500 plus ba 4500 plus city re conduct karauchi and yaku decide karauchi 46 ta indicator madhyamare. So question bhi asi jai pare je keteta indicator ko drushti rakha jai swachhata ranking diya jauchi. So 46 ta indicators. Next question, which union ministry launched NOC approval for new drugs and inoculation system? So batara full form hochi Nandi. So Nandi ra full form hela NOC approvals for new drugs and inoculation system. Options hochi Ministry of Health and Family Affairs, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. And option C hela Ministry of Science and Technology. Option D, Ministry of External Affairs. So answer hochi Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Next question, how many medals were won by India in the Special Olympic World Games 2023? So option A, 101. Option B, 202. Option C, 303. Option D, 404. So answer hochi 202. So total India 76 ta gold medal paithila. ओके तारो क्लोजिंग सेरेमनी ही थिला ब्रांडेनबर्ग गेट इन बर्लिन. सो ब्रांडेनबर्ग थरे तारो क्लोजिंग सेरेमनी ही थिला बर्लिन रे सेटा लोकेटेड. नेक्स्ट देखिबा, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इनॉग्रल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? ऑप्शन ए चेन्नई. ऑप्शन बी मुंबई. ऑप्शन सी अहमदाबाद. ऑप्शन डी कोलकाता. सो आंसर होची अहमदाबाद. अहमदाबाद रो नरेंद्र मोदी स्टेडियम थरे अक्टोबर 5 तारीख दिन फर्स्ट मैच कंडक्ट हबो. सो आपण माने मते कमेंट सेक्शन ने कहंतु टोटल इंडिया रो केतेडा स्टेडियम रे मैच कंडक्ट हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री अप्रूव्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023? ऑप्शन ए यूएसए. ऑप्शन बी इंडिया. ऑप्शन सी जापान. एंड ऑप्शन डी होची ऑस्ट्रेलिया. सो आंसर इज इंडिया. इंडिया इज स्कीम द्वारा बा ए फाउंडेशन द्वारा रिसर्च एंड इनोवेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करिवो कॉलेज मानंगरे यूनिवर्सिटीज मानंगरे रिसर्च इंस्टीट्यूट मानंगरे एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज से. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री इज सेट टू इंप्लीमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट अलोंग विद व्हिच बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केम बैंक द्वारा सो वेटरन आर्टिस्ट मान को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा जीवो? सो आंसर होची कैनरा बैंक. सो एहा द्वारा कोन ना से मान को मंथली 6000 टका पेंशनस बा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा जीवो. सो जो माने 60 वर्ष रो ऊर्ध्व व्यक्ति से मान को मास को 6000 टका प्रोवाइड करा जीवो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट और यूटी इज इंप्लीमेंटिंग द अन्नभाग्य स्कीम बा अन्नभाग्य स्कीम? सो कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा एंड राजस्थान.
ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରାରିଲି ମାସକୁ 170 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 5 କେଜି ଫ୍ରି ରାଇସ୍ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ତାର ଭରପାଇ ହେବ। କାହିଁକି ନା FCI କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବିଲୋ ପ୍ରଭର୍ଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବାର ଥିଲା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦ PM ପ୍ରାଣମ୍ ସ୍କିମ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ। ସୋ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ସୋ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ର ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା ୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସୋ PM ପ୍ରାଣମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା PM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ନୋରିସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମେଲିୟରେସନ୍ ଅଫ୍ ମଦର ଆର୍ଥ ସ୍କିମ୍। ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡିସାଇଡ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ କରେଣ୍ଟ ୟୁରିଆ ସବ୍ସିଡ଼ି, ବା ଯାହା ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ୟୁରିଆ ସବ୍ସିଡ଼ି ଥିଲା ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି 2025ରେ ଯେଉଁଟା ସରୁଥିଲା ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନାଉନ୍ସଡ 5G ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ହ୍ୟାକାଥନ୍ 2023? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ MSME ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ଦ ହୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମୈସୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୁନେ। ସୋ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସୋ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 5-7 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଜୁଲାଇ 5 ରୁ ଜୁଲାଇ 7 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ ଗୋଲ୍ସ ବାଇ ଲିଭରେଜିଂ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ସୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ୍ ବା ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ ଗୋଲ୍କୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆଚିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇନାଗୁରାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ। ସୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସର ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁଟା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଏଇ ମାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଡିଫେନ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏନର୍ଜି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏନଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବା ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ସାଇନ୍ ଦ ଜଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଲ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ୟୁକ୍ରେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସେନେଗାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେନେଗାଲ। ସୋ ସେନେଗାଲ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଜଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଣ୍ଡ ଭିଏତନାମା ଏହି ଡିଲ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି 26th UN କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସ୍ ବା COP ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ବା ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେନେଗାଲ ଲାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇନ୍ ଇସ୍ଲାମ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରମଦାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋହରମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବକ୍ରିଦ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆରାଫତ୍। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବକ୍ରିଦ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ GNPA ରେସିଓ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 9.99%, ଅପ୍ସନ୍ ବି 7.9%, ଅପ୍ସନ୍ ସି 5.9% ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 3.9%। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3.9%। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ହୋଷ୍ଟ
to the World Mining Congress 2023? Option A, India. Option B, Australia. Option C, Canada. Option D, Japan. So, World Mining Congress 2023 ऑस्ट्रेलिया ठारे कंडक्ट हेजी, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन ठारे कंडक्ट हेजी, जो थे कि कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जॉइन करे थिले। नेक्स्ट देखिबा, as per the financial incentive scheme, what percent of gross state domestic product is available to the states for borrowing? Option A, 0.25%, option B, 0.5%, option C, 1%, and option D, 1.5%. So answer hochi 0.5%. Next question, which state or UT is associated with Ekamra project? So Ekamra project apan mane na sunu sunu jani paruthibe je gote Ekamra kanan achi kothi. So option A hochi West Bengal, option B hochi Odisha, ऑप्शन सी होची बिहार एंड ऑप्शन डी होची गुजरात। सो आंसर होची ओडिशा। सो ये प्रोजेक्ट रे 280 कोटी टंका खर्च करा जाई हमर लिंगराज टेंपल रो। सो तार बाउंड्री बा तार सराउंडिंग को केमिति एनहांस करा जिवो सेही रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल हेची बा इनिशिएट हेची एंड लिंगराज टेंपल ले लॉर्ड शिव बास करंती। ओके पताकु एकाम्र क्षेत्र मध्य कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ व्हिच इंक्लूड्स लोअर टैरिफ ड्यूरिंग डे टाइम एंड हायर रेट्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। ता अर्थ हैला ए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इट माने अप्लाई हे छि जहा फले कोन ना डे टाइम बेले कम टैरिफ यूटिलाइज हबो एंड पीक आवर्स जो टाइम टारे अधिक माने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन होछि से टाइम रे हायर रेट यूटिलाइज करा जिवो। सो ऑप्शन ए होछि डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड पीक पावर टैरिफ। सो आंसर होची डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ। सो यह द्वारा कौन करा जीवो ना डे टाइम जेते बेले कंजप्शन बेसी नाही बा जो टाइम रे कंजप्शन बेसी हो नाही लोक माने बा इलेक्ट्रिसिटी ऊपर सेति प्रेशर नाही सेते बेले कौन करे बा लोड नाही सेते बेले टैरिफ बा रेट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम करा जीवो एंड जेते बेले पीक आवर्स आसीबो जेते बेले इलेक्ट्रिसिटी ऊपर लोड अधिक पड़िबो सेते बेले रो कंजप्शन पई अधिक टैरिफ निया जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन आर्म फोर्स इज द होस्ट ऑफ तरंग शक्ति मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज। सो ऑप्शन ए होची इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। सो आंसर होची इंडियन एयरफोर्स। सो ए जो तरंग शक्ति जो एयर एक्सरसाइज होची मल्टीनेशनल ता अर्थ डिफरेंट नेशंस एथरे पार्टिसिपेट करूछंती जो थरे 12टा नेशन पार्टिसिपेट करूछंती 6 नेशन ए एयरक्राफ्ट से जॉइनिंग करिवे पार्टिसिपेट करिवे एंड अदर 6 ऑब्जर्वेशन करिवे। ओके सो 6 जना पार्टिसिपेट करिवे एंड 6 जना ऑब्जर्वेशन करिवे। ओके एटा होची इंडिया रे हेथिबा एक्सरसाइज मध्यरे सबठार लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट रिसर्च व्हिच फैक्टर हैज ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इनमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो एटा सुनले आपण माने आश्चर्य हेबे ए क्वेश्चन टर आंसर जे फाइनेंस। ऑप्शन ए होची फाइनेंस, ऑप्शन बी होची मेन टेंपरेचर, ऑप्शन सी होची एजुकेशन एंड ऑप्शन डी होची एम्प्लॉयमेंट। सो आंसर होची मीन टेंपरेचर। सो क्वेश्चन कोन पचारची ना एज पर द रिसेंट रिसर्च व्हिच फैक्टर हैज ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इनमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बा वुमेन मानक अगेंस्ट वायलेंस पई कोटा बडे फैक्टर फाइनेंस, मीन टेंपरेचर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके सो आंसर होची मीन टेंपरेचर। सो टेंपरेचर बढ़िया सहित वुमेन मानक प्रति वायलेंस हे चलची एई जो रिसर्च कंडक्ट हेतिला चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तांजानिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके सो डिफरेंट कंट्री अच्छा जहाँ को आम ट्रस्ट करें पाकिस्तान भाया कंट्री को तो सीरीयसली नवा कथ नुह रिसर्च को बट जो ऑस्ट्रेलिया अच्छी जर्मनी अच्छी तांजानिया यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा चाइना अच्छी एंड यूके भी जो अच्छी तो रिपोर्ट को आम सीरीयसली नवा कथ जे रिपोर्ट अनुसार इच 1% इनक्रीज इन द आनुआल मीन बा प्रति वर्ष आनुअल मीन टेम्परेचर जिते 1 डिग्री बढ़ी बढ़ी चली। सो IPV बा इनमेट पार्टनर वायलेंस 4.49% बढ़ी बढ़ी चली एनहांस कहीं टेम्परेचर बढ़ी इरीटेशन आसे से द्वारा वायलेंस स्टार्ट हुए।
Next question, which country released the draft regulation for a green credit system? Option A, Sri Lanka. Option B, India. Option C, China. And option D, Afghanistan. So answer is India. India re first time pai green credit system lagu heichi jaha launch karaichi Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एहा द्वारा कौन करा जीवो ना जो लोक माने एनवायरमेंट बेनिफिशियल एक्टिविटीज करा जीवो तांगो इंसेंटिव प्रोवाइड करा जीवो वेदर दे आर इंडिविजुअल्स फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्रीज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स. सो जो माने एनवायरमेंट फ्रेंडली बेनिफिशियल काम किसी करेंगे एनवायरमेंट बेनिफिशियल काम किसी करेंगे से कम इंसेंटिव प्रोवाइड करा जीवो. सो एटा होची ग्रीन क्रेडिट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच स्टेट और यूटी इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट. ऑप्शन ए केरला. ऑप्शन बी तमिलनाडु. ऑप्शन सी कर्नाटक. ऑप्शन डी राजस्थान. सो आंसर होची तमिलनाडु. सो तमिलनाडु रो ग्रेटर चेन्नई पुलिस हाज इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट जहाद्वारा तांकु 9टा ड्रोन दिया जायछि एंड 20 ट्रेंड पुलिस पर्सनल बा 20 जन पुलिस पर्सनल को से ड्रोन को मैनेजमेंट करया पई ट्रेनिंग दिया जाय छी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक. ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी. ऑप्शन बी राजनाथ सिंह. ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह दत्त एंड ऑप्शन डी बिपिन सिंह रावत. आंसर होचे राजेंद्र सिंह दत्त. सो तांकु जे जने सिख सोल्जर्स थिले जे कि वर्ल्ड वार 2 रे पार्टिसिपेट करथिले जांकर बयस होउछि 101 वर्ष एंड तांकु अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमेन्स एसोसिएशन को लीड करया पई तांकर जो एफर्ट थिला सेथि पई तांकु पॉइंट ऑफ लाइट्स ऑनर्स दिया जायछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस्पार्टेम व्हिच वाज मेंशनड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑप्शन ए होचे सुगर सब्स्टिट्यूट. ऑप्शन बी ह्यूमन एंजाइम. ऑप्शन सी एंटी एड्स ड्रग. ऑप्शन डी बैड डिजीज. सो आंसर होचे सुगर सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑनर्ड विथ पेन पिंटर प्राइज 2023. ऑप्शन ए मिकेल रोजेन माइकल रोजेन. ऑप्शन बी अरुंधति रॉय. ऑप्शन सी राक्वेल मुरिलो. ऑप्शन डी मोनिका एस्थर. सो आंसर होचे माइकल रोजेन जे होचंती जने ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्ड ईगल इज एंडेमिक टू व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन ए होची नॉर्थ अमेरिका. ऑप्शन बी अफ्रीका. ऑप्शन सी आयरलैंड. ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया. सो आंसर होची नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपोर्ट ऑफ व्हिच प्रोडक्ट हैज बीन रिसेंटली प्रोहिबिटेड इफ इट्स वैल्यू पर यूनिट इज लेस देन ₹20. सो आंसर ऑप्शन होची टेम्पर्ड ग्लास. ऑप्शन बी सिगरेट लाइटर्स. ऑप्शन सी डायकास्ट टॉयज. ऑप्शन डी फायर क्रैकर्स. सो आंसर होची सिगरेट लाइटर्स. ता अर्थ होची केउ जिनसर मूल्य जदि 20 टंकर कम हुए ताकु इंपोर्ट करा जीवो नाही. सो आंसर होची सिगरेट लाइटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशंस. ऑप्शन ए जून 30. ऑप्शन बी जुलाई 1. ऑप्शन सी जुलाई 5. ऑप्शन डी जुलाई 10. सो आंसर इज जून 30. सो इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन जहाँ की 1899 रे फॉर्मेशन कराई थिला बट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा गोटे रिजोल्यूशन 2018 रे आसी थिला जहाँ फलरे जून 30 को कमेमोरेट करिया पई बा ए डे को जो दिन इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन फॉर्मेशन हेतला ता कमेमोरेट करिया पई जून 30 को इंटरनेशनल डे फॉर पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व करा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, काक्रापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट केपीपी कैप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच स्टेट. सो काक्रापर रिवर प्रोजेक्ट हम जाने छे कोठी अछि गुजरात रे. ऑप्शन ए होची गुजरात. ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल. ऑप्शन सी होची ओडिशा. ऑप्शन डी होची झारखंड. सो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस गुजरात. सो गुजरात ठारे फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तैयारी करा जाउची जहा कि काक्रापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात पाखरे लोकेटेड. द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज बिल्डिंग 2 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स एट
काक्रापुरा। सो एठारे दुईटा हेवी हेवी वाटर रिएक्टर्स तैयारी करा हुछी। ओके सो एनपीसीआईएल जहाँ फुल फॉर्म होची न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द ओजोन ईवी बुलेटिन? ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी WMO एंड ऑप्शन डी NASA। FAO हैला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी UNEP एनवायरमेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी NASA अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी। सो आंसर होची WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओजोन ईवी बुलेटिन प्रिपरेशन करा जायची। सो जोटा कि 7 वर्ष पर आफ्टर ए गैप ऑफ 7 इयर्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ईवी बुलेटिन तैयारी करेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ड्यूरांड कप व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी बास्केटबॉल। सो एटा करंट अफेयर्स से काहे आछि। ओके सो यार आंसर होछि फुटबॉल। एथि करंट अफेयर्स आछि काहे कि ना एटा होछि ना 132 एडिशन ऑफ ड्यूरांड कप ओडिसा रे सॉरी इंडिया रे हबो। ओके बा कोलकाता रे ऑर्गेनाइज हबो 3 अगस्त रु 3 सेप्टेम्बर 2023 मध्ये ऑर्गेनाइज हबो। एटा होछि इंडिया रे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जहाँ जो 24 टीम पार्टिसिपेट करेंगे एंड एथरे किसी इंटरनेशनल टीम भी पार्टिसिपेट करेंगे जो अच्छे नेपाल भूटान एंड बांग्लादेश जहाँ 27 वर्ष गैप पर पुणी थे ऑर्गेनाइज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट जियोइड एनोमली ऑन अर्थ हैज बीन आइडेंटिफाइड इन व्हिच ओशन? ऑप्शन ए हूँ पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी हूँ इंडियन ओशन, ऑप्शन सी हूँ आर्कटिक ओशन एंड ऑप्शन डी आंटार्कटिक ओशन। सो आंसर होची इंडियन ओशन। सो ये रिपोर्ट अनुसार जे बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस से तार रिपोर्ट अनुसार देखाई जे ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड ग्राविटी होल देखाई इंडियन ओशन रे। सो इंडियन ओशन रे 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर गोटे ग्राविटी होल देखाई जहाँफल तार सी लेवलटा गोटे ग्राविटेशनल पुल देखाई जहाँफल सी लेवल 100 मीटर्स लोअर दैन द ग्लोबल आवरेज बा ग्लोबल सी लेवल जहाँ अच्छे 100 मीटर तल को पलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मुसमपुर ट्रेडिंग सेन्टर इज आसोसीएटेड विथ ह्विच कंट्री? सो मुसमपुर ट्रेडिंग सेन्टर ऑप्शन हूँ DRC, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। सो आंसर हूँ DRC। सो DRC रो फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली एनएक्टेड ए न्यू फॉरेन रिलेशन लॉ? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। आंसर होची चाइना। सो चाइना तार किसी फॉरेन रिलेशन लॉ रे चेंजेस आनी जहाँफल से कौन कर वेस्टर्न नेशन मानक काउंटर मेजर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आलेफ आर्माडा मॉडल 0 द कार दैट कैन बी फ्लोन इन द एयर और ड्राइवन ऑन रोड वाज अप्रूव्ड इन व्हिच कंट्री? ओके सो ऑप्शन ए हूँ स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी USA एंड ऑप्शन डी चाइना। आपण मैंने तो Dhoom 3 मुवि देखिपारे गोटे बाइक थिला जो थे माने रोड रे भी चली पार पाने भी ड्राइव हो पार BMW बाइक थिला Dhoom 3 देखी जोटा आमिर खान चलाउथिला बट एठी रियल ले किछ जेंस आछि जोटा रोड रे भी चली पार एंड एयर रे भी फ्लाई कर पार। सो से कार को कंट्री अप्रूवल दी? सो आंसर होची USA। सो USA रो गोटे कंपनी से स्पेशल वर्दिनेस सर्टिफिकेशन दी स्पेशल एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेशन दी गोटे कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी जी आलेफ आर्माडा मॉडल 0 कार को निर्माण करी। सो ये सर्टिफिकेशन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन थारू बा FAA थारू मिली जहाँफल से कौन कर ना रोड एंड एयर टेस्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनर जेतुंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए रूसिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हूँ साउथ कोरिया। सो आंसर हूँ यार ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया रो वियना बेस्ड वेनर जेतुंग। सो वेनर जेतुंग हूँ
ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯିଏକି 320 ବର୍ଷ ହେଲା ପବ୍ଲିକେସନ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସୋ ତାର ପବ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଏମ୍ପରର୍ସ ରିପବ୍ଲିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ବା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ସୋ ଯଦି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ଆସିବ ୱେନର୍ ଜିତୁଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନା ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଟ୍ରି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି। ସୋ ଅଟ୍ରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ସିଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସୋ ଅଟ୍ରି କେଉଁ ସିଟିରେ ବେସ୍ଡ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଆଣ୍ଡ ପୁନେ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସୋ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଡି ଫର୍ ଆର୍ ବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଫର୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍, ଯାହାକି ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଆଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଏଫର୍ଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫଣ୍ଡ GBFF ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି 64th ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫାସିଲିଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କୁମିଂ ମଣ୍ଟ୍ରିଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯିବ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ $3 ବିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ IMF। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଇରାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କର ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବହୁତ ହି କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲିଛି। ସୋ ତାର ବା ତାକୁ କ'ଣ ନା ରିସର୍ଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ବା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବା ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର 9 ମାସ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଥିଲା। ଏଇ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଛି ମନିଟାରୀ ରିଲିଫ୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଏଇଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, କିପ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବିଂ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।